नमस्कार दोस्तों, द विजन साइंस क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर को। तीसरा चैप्टर का ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। वैसे नमस्कार दोस्तों, द विजन साइंस क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के तीसरा चैप्टर। जी हाँ, एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12 के तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर का यह लेक्चर 2 का वीडियो है। लेक्चर 1 का वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, वहां से आप लेक्चर 1 देख सकते हैं। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहते हैं कि वैसे विद्यार्थी जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट करकर यह जरूर बताएं कि हमारा ये लेक्चर 2 का वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर चलते हैं। डेनियल सेल के बारे में हम बता चुके हैं कि इसमें हम 2 को बीकर लिए थे, इस तरह से 2 को बीकर लिए थे और इस बीकर में 2 को छड़ डाले थे, इस तरह से। और छड़ जो डाले थे, पहला छड़ इधर लेफ्ट साइड में जो डाले थे वो जिंक का छड़ था और दूसरे साइड में जो छड़ डाले थे वो कॉपर का छड़ था। और इस बीरियम के अंदर हम यहाँ पर JbSO4 अर्थात जिंक सल्फेट का एक बीरियम डाले थे और इस बीकर के अंदर हम कॉपर सल्फेट का बीरियम डाले थे Cu SO4। कॉपर सल्फेट का बीकर डाले थे। चलिए, तो अब हमें समझना है कि अगर हम एक बीकर लेते हैं और उस बीकर के अंदर हम जब JbSO4 का बीकर लेकर उसके अंदर हम जब जिंक की छड़ डालते हैं, तो आखिर ये जिंक की जब छड़ डालते हैं तो बीकर और इस छड़ के बीच में कुछ तो रिएक्शन होता होगा, कुछ तो होता होगा, सोचने वाली बात है। तो यहां पर जो रिएक्शन होता है उसी को हम कहते हैं, यहां पर जो भी मतलब कह सकते हैं कि जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है, जो भी कुछ होता है, जो भी होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। अब इसको हम परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो देखिए हम बोलेंगे कि जब किसी धातु को, जब किसी धातु को मान लेते हैं कि हमारे पास एक छड़ है कॉपर का, एक छड़ है जिंक का, कॉपर का ये लिख दिए, ये जिंक का लिख दिए, एक यहां पर हम चांदी का लिख देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास 3 को छड़ है। तो जब किसी धातु को, धातु बड़ी धातु की छड़ को, अरे धातु को उसके अपने ही आयन वाले बीरियम में, मतलब उसके अपने ही आयन वाले बीरियम में, जैसे कि कॉपर है तो कॉपर सल्फेट के बीरियम में ही डालेंगे, जिंक है तो जिंक सल्फेट के ही बीरियम में डालेंगे, यानी जो हम छड़ लेंगे उसी के आयन वाले बीरियम में हम उसको क्या करेंगे, डुबा देंगे। तो डुबाने के बाद एक विद्युतीय द्विध्रुव तत्व स्थापित हो जाता है जिसकी वजह से धातु और बीरियम के बीच विभवांतर पैदा हो जाता है, इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से, जब किसी धातु को उसके अपने ही आयन वाले बीरियम में डुबा दिया जाता है
तब एक विद्युतीय दुहित तल स्थापित हो जाता है जिसकी वजह से धातु और विलयन के बीच विभवांतर पैदा हो जाता है। इसी विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चलिए इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से इंडिकेट करते हैं। ध्यान रखना है कहीं भी ई लिखा हुआ हो तो समझना है इलेक्ट्रोड विभव है। ई से इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव को ई से सूचित किया जाता है। अब हम समझते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जैसे ये किए जैसे ये करें, इसमें भी हम क्या किए, एक बीकर लिए थे और बीकर में एक छड़ डाले थे, छड़ जिंक का मान लेते डाले, यहां पर जेगनियस और जिंक सल्फेट का भी डाले थे। सेम चीज इसमें भी एक बीकर लिया जाता है, एक छड़ लिया जाता है, इसमें भी छड़ लेकर के उसी का विलयन डाला जाता है जेगनियस और सेम चीज। ठीक है, अब चेंज कहां आता है ये समझना। इसमें कोई मानक यूज नहीं होता लेकिन इसमें मानक यूज होता। मानक क्या होता है ये समझना। इसका जो टेम्परेचर होगा 298 केल्विन होगा। इसका टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन, और 298 केल्विन इसके अंदर जो विलयन डालेंगे वह विलयन होगा 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता। अरे उसका विलयन क्या होगा 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता। अब ये शर्त के हिसाब से, ये मानक के आधार पर ये दोनों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अब इसको परिभाषा में लिखेंगे कि एक अर्ध सेल में, अर्ध सेल क्या होता है, जैसे ही बीकर लिए, अब बीकर के अंदर छड़ डाल करके, और जिस चीज का छड़ डाले उसी का जब हम इसमें विलयन डाल दिए तो ये हमारा एक अर्ध सेल बन जाता है। तो एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड का जो विभव होगा उसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को इनॉक्स से इंडिकेट करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को इनॉक्स से इंडिकेट करते हैं। ई का ऊपर जीरो लगा देना है और पढ़ना है इसको इनॉक। नोट अर्थात यम होती है, नोट नहीं, नोट का स्पेलिंग यहां होता है ये नहीं, नोट का होता है यन ए जी एस टी, यानी उसको हम इनॉक पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमको पढ़ना है ऑक्सीकरण विभव। अब हमको पढ़ना है ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव। तो ध्यान से समझना है, यहां पर हम इसके पहले वाला वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लेक्चर वन में हम डेनियल सेल पढ़ा चुके हैं। डेनियल सेल कैसा था थोड़ा सा ध्यान दें। डेनियल सेल में हम बताए थे कि दो को बीकर लेते हैं इस तरह से, और इस बीकर में हम दो को एकल गुच्छा दोनों में डाल देते हैं इस तरह से। और मान लेते हैं कि लेक्चर वन में जो पढ़ाया था उसमें हम लेफ्ट साइड में जिंक की छड़ लिए थे और राइट साइड में कॉपर की छड़ लिए थे। इसमें हम JaSO4 का विलयन डाले थे और इसमें हम कॉपर सल्फेट अर्थात CuSO4 का विलयन डाले। अब समझना है कि यहां पर जो लेक्चर वन में पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि ये जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यह यहां पर वोल्ट मीटर लगा होता है और ये कॉपर की ओर आता है। ये लेक्चर वन में हम पढ़ा चुके हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो हम बता रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं,
और यहां पर इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। यह भी बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको हम अवग्रहण कहते हैं। तो ये तो हमको पता चल गया कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और अवकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अब हमको समझना था विभव के बारे में। विभव के बारे में भी अभी जस्ट बताया कि जब किसी क्षण को उसी के आयन वाले विलयन में जब डुबो देते हैं तो विलयन और उस क्षण के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है उसी को तो हम इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। अब यहां पर हमको समझना है ऑक्सीकरण विभव। तो ऑक्सीकरण विभव में हमको बोलना है कि किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति जो होती है ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। ऑक्सीकरण विभव कहलाती है, मतलब इसको ऐसे बोले कि जब जब किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। मतलब किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। यह हमारा इलेक्ट्रोड है, जिंक वाला इलेक्ट्रोड है। यह इलेक्ट्रोड क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने के की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव। और यहां पर यह क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, तो किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति अवकरण विभव, अवकरण विभव कहलाती है। ध्यान देना, ऑक्सीकरण विभव को तब विभव पहले बता चुके, विभव अर्थात इलेक्ट्रोड विभव। विभव को हम इसे इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को इसे इंडिकेट करते हैं, पहले बता चुके हैं। अब आता है इसका फर्स्ट लेटर OX से, तो इसको OX लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीकरण विभव का इंडिकेट, यानी EOX से हम ऑक्सीकरण विभव को इंडिकेट करेंगे। इसका फर्स्ट लेटर लगा देंगे REV, हमारा ई रेट से हो जाएगा अवकरण विभव। क्या हो जाएगा, अवकरण विभव। फिर से यहां पर हम बता देना चाहते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई से इंडिकेट, यही पर ई नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा सॉरी इलेक्ट्रोड विभव को ई से इंडिकेट, मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से इंडिकेट, और ऑक्सीकरण विभव को ई ऑक्स से इंडिकेट, और अवकरण विभव को ई रेट से इंडिकेट। फिर से ई हो गया हमारा इलेक्ट्रोड विभव, ई पर नॉट लगा दिए तो ये हमारा हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई पर ऑक्स लगा दिए तो ये हमारा हो गया ऑक्सीकरण विभव, और ई रेट लिख दिए तो ये हमारा हो गया अवकरण विभव। ठीक है, तो ये जो है याद रखना बहुत जरूरी है, ये किसको क्या चीज से सूचित किया जाता है, ये याद रखना बिल्कुल जरूरी है। तो ये याद रखना, इसे योग से प्रदर्शित करते हैं इसे ऑक्सीकरण विभव को, और अवकरण विभव को हम ये रेट से प्रदर्शित करते हैं। अब हमको समझना है मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अवकरण विभव। तो ध्यान देना, ऑक्सीकरण विभव सामने पड़ा हुआ, अवकरण विभव सामने पड़ा हुआ, जब अभी जस्ट बताया, सिर्फ इसमें मानक लग रहा है। तो ध्यान देना है कि जब भी मानक से ऑक्सीकरण विभव है तो ऑक्स से इंडिकेट करेंगे, लेकिन जैसे ही मानक लग जाएगा तो नॉट कर देंगे, नॉट ऑक्स, अर्थात ये मानक ऑक्सीकरण विभव हो गया। जैसे यहां पर ई रेट, इसको हम ऊपर जीरो लगा देंगे, पढ़ेंगे ई नॉट रेट, अर्थात ये मानक अवकरण विभव हो गया। मानक क्या होता है, तो मानक के बारे में भी जस्ट बताए थे कि 298 केल्विन रहता है, जस्ट मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है, और 1 मोल प्रति लीटर होता है इसका विलयन। जैसे कि एक बीकर लेते हैं, तो बीकर के अंदर छड़ डालते हैं, इसके अंदर विलयन डालते हैं, तो ये 298 केल्विन टेम्परेचर पर और 1 मोल प्रति लीटर इसका विलयन सांद्रता वाला ये विलयन होना चाहिए। तो इस पर अगर हम बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव तो हमारा हो जाएगा मानक। कोई मानक जब लग जाए तो मानक क्या, 298 केल्विन 1 मोल प्रति लीटर, मानक लग गया तो मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक को हटा दिए तो सिर्फ ऑक्सीकरण विभव। उसी तरह से यहां है दूसरे तरफ भी, मानक लग गया मानक ऑक्सीकरण विभव,
मानक खड़ा किए तो शिल्प औषधीकरण विभाग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा डेनियल सेल था, इसी के बारे में हम चर्च कर रहे थे। तो देखिए ये हमारा जीन की क्षण है, ये हमारा बीकर है। बीकर के अंदर JN-SO4 का डीएनए डाले, तो यही बता रहे थे हम कि जब किसी क्षण को उसी के आयन वाले डीएनए में जब डुबो दिया जाता है तो बिलियन और क्षण के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और उसी में मानक जोड़ दे जिसे 298 केल्विन लगा दे और 1 वोल्ट प्रति लीटर लगा दे तो वो हमारा हो जाता मानक इलेक्ट्रोड विभव। और जिंक जो है इलेक्ट्रॉन होता है मतलब त्याग करता है, इसलिए यहां पर होगा ऑक्सीकरण विभव, या फिर हम बोल सकते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव। और मानक लगा देने तब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अवकरण विभव। मानक जोड़ देंगे तो मानक अवकरण विभव हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको यहाँ पर एमीटर या वोल्टमीटर लगा होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं, सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण समझते हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण कैसे करते हैं, विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हमको समझना है सबसे पहले। तो विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम दो बीकर लेते हैं, इधर देखिए पहले भी बता चुके हैं दो बीकर लेते हैं, और उस बीकर में दो को क्षण लेते हैं, यह दो को क्षण ले लिए। उस क्षण को हम किसी वोल्ट मीटर से होते हुए वायर से कनेक्ट कर देते हैं और उसके अंदर एक लवण सेतु लगा देते हैं, यह लवण सेतु हो गया। अब इस विलयन में हम जिसका जिसे जिंक का क्षण डाले तो जिंक का विलयन डाले, इसमें कॉपर का क्षण डाले तो कॉपर का विलयन डाले। तो ये विद्युत रासायनिक सेल के निर्माण वाले दो इलेक्ट्रोडों, कौन कौन दो इलेक्ट्रोड, एक जिंक इलेक्ट्रोड और दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड। कोई जरूरी नहीं है कि जिंक ही और कॉपर रहेगा, और भी रह सकता है, सिर्फ ध्यान देना दो इलेक्ट्रोड है। तो विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करने वाले दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहलाता है। फिर से हमारे पास ये क्षण है जिंक का और ये क्षण है कॉपर का, फिर से ये क्षण है जिंक का और ये क्षण है कॉपर का। तो ये क्षण पहला क्षण और ये दूसरा क्षण, मतलब ये पहला इलेक्ट्रोड ये दूसरा इलेक्ट्रोड, मतलब ये दो इलेक्ट्रोड हो गया, या दो इलेक्ट्रोड हो गए। किसके दो इलेक्ट्रोड हो, तो विद्युत रासायनिक सेल के निर्माण करने वाले दो इलेक्ट्रोड हो के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर, किसका अंतर, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, पहले बता चुके हैं कि जब किसी क्षण को उसी के आयन वाले विलयन में जब डुबो देते हैं तो उस विलयन और उस क्षण के बीच में जो विभवांतर पैदा होता है उसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब इसका इलेक्ट्रोड विभव और इसका इलेक्ट्रोड विभव की दोनों का डिफरेंट करेंगे, अंतर करेंगे तो हमारा सेल विभव मिलेगा, और यही सेल विभव को हम विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। ध्यान रखिएगा सेल विभव को इंडिकेट हम E हो गया हमारा,
और ई में जैसे ही सेल लगा रहे हैं, ई हमारा क्या था, पहले फिर से, ई हमारा था इलेक्ट्रॉन विभव, आईसी में सेल लगा दिए तो हमारा क्या हो गया, सेल विभव हो गया, क्या हो गया, सेल विभव। तो ध्यान देना है कि विद्युत रासायनिक सेल के निर्माण करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों के विभव, इलेक्ट्रॉन विभवों के अंतर को हम सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं, ध्यान रखना है, या फिर हम विद्युत वाहक बल कहते हैं किसको, किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ता वही उस वही काम उस सेल का विद्युत वाहक बल कर भी सकते हैं, कोई ध्यान से रखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहां आता है, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता मतलब ये हमारा पहला सेल है और ये हमारा दूसरा सेल है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आने, ठीक है, किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ता वही काम उसका सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम कह सकते हैं सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों, कौन कौन दोनों इलेक्ट्रॉनों, पहला एनोड दूसरा कैथोड, पहला ये जिंक वाला दूसरा ये कॉपर वाला, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों पहला एनोड दूसरा कैथोड के विभवों के अंतर, किसके अंतर, विभवों के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, लेकिन कब, जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा, ध्यान देना है सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन कौन, एक एक दोनों के इलेक्ट्रॉन पहला एनोड दूसरा कैथोड के विभवों के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, जब सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला इधर वाला ध्यान दीजिएगा जिंक वाला जो छह इसमें डाले थे जो फिगर देख रहे हैं, इसमें जो जिंक डाले थे यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा था और यहां पर अपकरण हो रहा था, तो हम कह सकते हैं कि अपकरण व ऑक्सीकरण विभव का अंतर है कौन सी सेल विभव, यानी सेल विभव क्या है, ऑक्सीकरण व अपकरण विभव का अंतर है, या विद्युत वाहक बल क्या है, ऑक्सीकरण व अपकरण विभव के अंतर होता है। तो चलिए सेल विभव को हम इंडिकेट करते हैं ई सेल से और अवकरण विभव को हम ई रेड से और ऑक्सीकरण विभव को ई ऑफ से, लेकिन यहां पर हमको सबसे पहले समझना है जो बहुत जरूरी है समझना, ध्यान से देखिए यहां पर जो है दो को बीकर हमारे पास इस तरह से दो बीकर था, एक में जिंक का छड़ था दूसरे में ये कॉपर का छड़ और ये जिंक का छड़ था, यहां पर हम बताए थे कि ऑक्सीकरण होता है, यहां पर बताए थे अवकरण होता है, तो बात यहां आ रहा है विद्युत वाहक बल या सेल विभव, हम बताए कि एनोड और कैथोड यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों के विभव के अंतर, तो अंतर कैसे करना है ये समझना, तो सेल विभव लिखने के लिए तो हम ई सेल ले लेंगे, इसलिए तुम्हारा मानक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड विभव हो गया, यहां पर सेल लगा दिए तो हमारा ये सेल विभव हो गया, बराबर अंतर कैसे करना है ये समझना, सबसे पहले देखिए कि अंतर करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, हम आपको ट्रिविया ऐसा बताया थे लोन याद रखिए एल ओ एल लेक्चर वन में हम ये बता चुके हैं, एल से लेफ्ट बताए थे, ओ से ऑक्सीडेशन बताए थे, ए से एनोड बताए थे और एन से नेगेटिव पोल बताए थे, मतलब ये जो पोल हमारा है नेगेटिव है ऐसे समझिए, या फिर जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नेगेटिव ही हो जाएगा और ये पोल हमारा
पॉजिटिव होगा, जब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो हम क्या नेगेटिव में से पॉजिटिव वाला को घटाएंगे? नहीं, पॉजिटिव में से नेगेटिव को घटाते हैं, तो हम इधर वाला में से इधर वाला को घटाएंगे, तो इधर वाला हमारा हो गया e, और अवकलन हो रहा था यहाँ पर, अवकलन जाएंगे 100 में हम आएंगे, अर्थात e अवकलन लिखो अवकलन, इधर के लिए हम लिखेंगे ई ऑक्सीकरण, ई ऑक्सीकरण। अब समझना है ई ऑक्सीकरण के लिए, ई ऑक्सीकरण के लिए ई ऑक्स लिखेंगे और ई अवकरण के लिए ई रेड लिखेंगे, तो हमको घटाना किससे है? प्लस वाला, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, तो प्लस वाला में से माइनस वाला को घटा लेना है यहां पर, तो ध्यान देना है यहां पर लिखेंगे ई रेड माइनस ई ऑक्स लिखेंगे, ध्यान देना। इसलिए सेल विभव का सूत्र होता है ई सेल बराबर ई रेड माइनस ई ऑक्स होता है। ये जो सूत्र है VBI है, इसका जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में, तो ध्यान रखना है। इसी में सिर्फ देखिए इसमें और उसमें क्या अंतर है, सिर्फ मानक इसमें लगा हुआ इसमें नहीं लगा हुआ। मानक के लिए हम बता चुके हैं कि सब पर नॉट कर दो, नॉट लगा दो सब पर, बस मानक हो गया। जब इस पर हम नॉट लगा देंगे तो मानक में हमारा हो जाएगा, तो मानक सेल विभव के लिए हमारा ई सेल बराबर, सॉरी मानक सेल विभव बराबर हो गया इनॉट सेल बराबर इनॉट रेट माइनस इनॉट ऑक्स, तो इसको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई सेल जो है इसको हम कहते हैं सेल विभव, क्या कहते हैं? सेल विभव। यह जो है सेल विभव का मान कभी जीरो आ सकता है, कभी माइनस में आ सकता है, कभी प्लस में आ सकता है, ध्यान रखना। अगर ई सेल का मान जीरो आ जाता है तो उसे हम साम्यावस्था कहते हैं, अगर प्लस आ जाता है यानी वह सेल डिस्चार्ज हो रहा है, और अगर माइनस आ जाता है मतलब वह सेल चार्जिंग है, चार्जिंग पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा, ई सेल विभव अर्थात सेल विभव अवकरण व ऑक्सीकरण विभव, सेल विभव अवकरण व ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है, यह पहले ही बता चुके हैं कि ऑक्सीकरण विभव व अवकरण विभव के अंतर को हम सेल विभव करते हैं, पहले बता चुके हैं। लेकिन इस अंतर को हम अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग मान बता नहीं सकते, बताना संभव नहीं। तो इस समस्या के निवारण के लिए, मतलब इस समस्या के हल यही है कि हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, मतलब ऐसे समझिए कि सेल विभव जो होता है अवकरण व ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है, लेकिन हम ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव को, ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव को अलग अलग मान बता नहीं सकते। तो इस समस्या के हल के लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। अब सिंपल से शब्दों में समझिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, विभव उससे मापा जाएगा, सीधी सी बात समझ लीजिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? विभव माप करने वाला एक अंश समझ लीजिए, ठीक है, एक डिवाइस समझ लीजिए। अब हमको समझना कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता कैसा है, ठीक है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता कैसा है, जरा सा ध्यान दीजिए। Thank you.
देखिए मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं SHE। ध्यान रखना कहीं भी SHE लिखा हुआ है तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हिंदी में इसको कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यह चीज ध्यान रखना है जब भी हम ऑक्सीकरण विभव या अवकरण विभव की माप कर रहे हैं तो उस समय माप करने पर हमको ध्यान देना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य माना जाता है। मतलब हमारे पास जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव रहेगा उसका मान हम शून्य मान लेंगे। ठीक है, अब हमको समझना है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता कैसा। ठीक है, तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा, फिगर में क्या दिख रहा है ध्यान से देखिए। फिगर में सबसे पहले आपको एक बीकर दिख रहा, एक बीकर इस तरह से बना लीजिएगा, ये हमारा बीकर हो गया। बीकर के अंदर क्या करना है ये समझना, और बीकर में हम कौन चीज का प्लेयर डालेंगे ये समझना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नाम से ही पता चल रहा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ध्यान से देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब क्या, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है। ठीक है, अब मानक के मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका ताप 298 केल्विन होता है और ये 1 बार ताप पर इसको है ना, 1 बार ताप पर इसको मतलब यही मानक हो गए। तो चलिए सबसे पहले हमको समझना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब हाइड्रोजन की छड़ को हाइड्रोजन आयन वाले हीलियम में डुबाना है। तो क्या हाइड्रोजन का छड़ आता है, हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन जैसे लोहा का छड़ होता है, कॉपर का छड़ होता है, क्या उस तरह से हाइड्रोजन का छड़ देखे आप लोग? नहीं, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है तो हाइड्रोजन का छड़ होगा ही नहीं, होता ही नहीं है। तो जब हाइड्रोजन का छड़ नहीं होता है तो क्या किया जाएगा, जोगाड़ किया जाएगा बनाने का। तो जोगाड़ में देखिए क्या करना, एक ट्यूब लेना, ट्यूब अर्थात नली, उस नली को यहाँ पर उल्टा लगा देना है। यह देखिए उल्टा लगा दिया है इस नली को। ठीक, इस नली में क्या करना है कि एक प्लैटिनम की पत्ती लेना। देखिए यहां पर एक प्लैटिनम की पत्ती दिख रहा होगा। ठीक है, और इसको एक प्लैटिनम के तार से ही इसको सील कर देना। ठीक है, प्लैटिनम की तार से इसको सील कर देना यहां पर। उसके बाद यहां पर एक जगह रहेगा जहां से H2 गैस को डाला जाएगा, प्रवाहित किया जाएगा। ठीक है, और ये ट्यूब ग्लास ट्यूब अर्थात शीशे का जो ट्यूब रहेगा, ग्लास ट्यूब है ना, कांच की नली जो रहेगा उसमें एक पीटी का पत्थर डालकर इसको तार से सील कर दिया जाता है और यहाँ से H2 गैस डाला जाता है और इसके अंदर HCl का बेयन ले लिया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इसके अंदर बेयन भर लिया जाता है, जलीय बेयन। ठीक है, तो हम इसको बारी बारी से पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, एक कांच की नली में, एक कांच की नली में, यह देखिए ये हमारा कांच की नली हो गया और ये कांच की नली यहां पर लिखा हुआ है ग्लास ट्यूब। प्लैटिनम तार सील करके यहां पर देखिए काला कलर का एक दिख रहा होगा, ये प्लैटिनम तार है, सील करके उसके एक सिरे पर सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम से लेकर पन्नी सील कर दिया जाता है। मतलब यहां पर एक प्लैटिनम का एक पन्नी सील कर दिया गया जिसको हम पीटी इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। ठीक है, इसे एक बीकर में रखते हैं, इसको एक बड़ा सा बीकर में डाल लेते हैं जिसमें जलीय HCl का
एक मोलर सांद्रता वाला बीयर भरा होता है, यानी इसमें एक मोलर सांद्रता वाला बीयर HCl का जलीय बीयर भरा होता है। 298 केल्विन ताप तथा एक बार दाब पर इसमें लगातार H2 गैस प्रवाहित किया जाता है, यहां से H2 गैस प्रवाहित किया जाता है। सबसे मजे की बात इसमें यह है कि ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है यह कैथोड के भी तरह काम कर सकता है और एनोड की तरह भी काम कर सकता है। इसको कैथोड कर जगह कैथोड के जगह पर रखेंगे तो कैथोड का भी काम करेगा, अगर इसे एनोड के जगह पर रख देंगे तो यह एनोड का काम करेगा। यही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का खासियत है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है लेफ्ट साइड लगा हुआ है और यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है राइट साइड लगा हुआ है। और पहले ही हम बता चुके हैं कि डेनियल सेल में जो लेफ्ट साइड रहेगा उसको एनोड कहेंगे और जो राइट साइड रहेगा उसको कैथोड कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एनोड के जगह पर लगा हुआ है और यहां पर हम कहेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड के जगह पर लगा हुआ है। ठीक, पहले ही बता चुके हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है यह कैथोड की तरह और एनोड कैथोड और एनोड यह दोनों के तरह काम करता है। इसका यही सबसे बड़ा खासियत है। ठीक है, यहां पर जो है SCHG एनोड के रूप में है और यहां पर जो SCHG है कैथोड के रूप में है। अब हमको समझना कि वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम एनोड के रूप में बात कर लेते हैं, उसके बाद कैथोड के बारे में बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि एनोड जो होता है इलेक्ट्रॉन को खोता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन का संकेत H होता है, परंतु हाइड्रोजन एक गैस है, इसे डायटोमिक बोला जाता है, इसलिए इसको हम H2 लिखते हैं। तो H2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खोएगा। अब H के पास जो होता है, आप लोग जानते होंगे कि H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन खोएगा एक H, मान लीजिए कि एक H ये एक इलेक्ट्रॉन खोया, एक H ये एक इलेक्ट्रॉन खोया। तो ये जो H है यह दो को है, कितने इलेक्ट्रॉन खोएगा, दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर देंगे। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो H पर ऐसे प्लस चार्ज आ जाएगा, लेकिन समझना है जब प्लस चार्ज लिखेंगे तैसे तो नहीं लिखा जाता, ये लिखने का तरीका गलत है। इसको हम लिखते हैं H और H पर प्लस चार्ज और दो को कर देते हैं, क्योंकि यहां दो इलेक्ट्रॉन खोया था तो ये प्लस को हम दो कर दिए। ठीक है, फिर से ये प्लस को हम दो कर दिए, क्यों, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन खोया था।
अब सोचना है यहां पर H2 था, H2 में माइनस किए दो इलेक्ट्रॉन तो हमारा बन गया 2H पर प्लस आयन, ठीक है। अब सोचिए ये H2 हमारा जसके तस का है, ठीक है, और ये 2H पर प्लस आयन भी जसका तस रह गया, लेकिन ये माइनस 2 इलेक्ट्रॉन था, इसको हम क्या किए, आप लोग मैं तुमसे पता होंगे कि जब बराबर मान लेते हैं बराबर है तो बराबर में जब उस तरफ जाता है तो चीज चेंज होता है, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन है अगर उस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से यानी एनोड का हमारा SH2 का रिएक्शन हो गया ये पूरा, ठीक है। अब हमको समझना है कैथोड का रिएक्शन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कैथोड का भी रिएक्शन समझ लेते हैं। कैथोड का रिएक्शन में हम बताए थे कि लेफ्ट साइड था एनोड हमारा ना और राइट साइड था हमारा कैथोड, कैथोड में हम कॉपर रखते थे ना, तो कॉपर रखे थे परंतु ये हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर स्वागत करने के लिए बिलियन में जो उपस्थित था कॉपर पर प्लस टू आयन ये तैयार था ना, तो ये CU पर प्लस टू चार्ज हमारा आ गया और ये इलेक्ट्रॉन लिया था, इधर से आया था दो इलेक्ट्रॉन तो दो इलेक्ट्रॉन ये लिया, ठीक है। तो जब कॉपर पर प्लस टू चार्ज है और ये दो इलेक्ट्रॉन लिया तो सॉलिड कॉपर में बन जाता था, तो यहाँ पर चिपक जाता था जो लेक्चर वन में हम बना चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुल मिलाकर हमको ये समझ में आ गया कि कैथोड का रिएक्शन कैसे होता है और एनोड का रिएक्शन कैसे होता है। अब हमको समझना है सबसे जो जरूरी है वो हमारा ई सेल है, ई सेल अर्थात हम इसको कहते हैं सेल विभव, क्या कहते हैं सेल विभव, तो चलिए हम सेल विभव समझते हैं। तो सेल विभव का हम सूत्र बताए थे कि सेल विभव का सूत्र होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, सॉरी इसके पहले जो सूत्र बताए थे ये नहीं था, ये था सूत्र हमारा था ई सेल बराबर ई रेड माइनस ई ऑक्स, ये बता रहे थे, लेकिन ये सूत्र और ये सूत्र में कोई अंतर नहीं, सेम चीज लिखे हैं, ठीक है। ई रेड लिखे हैं अर्थात रेड रिडक्शन मतलब अपकरण, अपकरण होता था कैथोड पर तो उसकी जगह कैथोड लिख दी है, उसके बाद ई ऑक्स ऑक्सीडेशन होता था एनोड पर तो उसकी जगह एनोड लिख दी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चूंकि इसमें एनोड जो है वो एस एच ई है तो एस एच ई एनोड है तो एनोड की जगह पर हम एस एच ई को रख दिए, बाकी ये दोनों सेम रह गया। एस एच ई का मान हम बताए थे कि जब भी मान हम मापते हैं तो उसका मान हम जीरो लेते हैं, जीरो रख लिए, जैसे ही जीरो रखे तो ई सेल बराबर हमारा ई कैथोड आ गया, मतलब हमारा कैथोड का मान निकल गया। तो इसी तरह से हम एनोड का भी मान निकालेंगे। तो चलिए हम दूसरी तरफ समझते हैं, दूसरी तरफ है एस एच ई कैथोड के रूप में, मतलब ये राइट साइड लगा हुआ, तो समझिए एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खोता है, मान लीजिए एनोड हमारा जैसे कि राइट साइड लगा दिए तो हमारा ऐसे भी करता है, इधर जिंक का लिए थे तो जिंक रह जाएगा ना, इधर कॉपर लिए थे तो कॉपर की जगह पर तो आ गया एस एच ई, तो ये जिंक हमारा इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, सोचिए जिंक है जेडियन, ये इलेक्ट्रॉन दो को छोड़ा तो ये बन गया जेडियन पर प्लस टू चार्ज, ठीक है। तो ये जेडियन हमारा जस्ट के प्लस रह गया, ये दो इलेक्ट्रॉन माइनस में था इसको उस तरफ लेकर चले आए तो प्लस में दो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये जेडियन पर प्लस टू चार्ज हो गया, ये हमारा एनोड रिएक्शन पूरा हो गया, ठीक है। कैथोड रिएक्शन में देखिए ध्यान से, यहां पर था इलेक्ट्रॉन खोया था, यहां पर इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा तो कुछ नहीं इसको पलट देगा, इधर से उठा के इधर पलट दीजिए, यानी हाइड्रोजन आयन होगा और ये दो इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, इधर से जो आएगा H2 में बदल जाएगा, ठीक है। जस्ट उसी तरह से SH का जीरो मानेंगे, लेकिन यह कैथोड पर है तो कैथोड के सामने SH लिखेंगे और SH के जगह पर जीरो लिखेंगे, बाकी सब लिखते जाएंगे तो हमारा E हो E से बराबर एनोड आ जाएगा अर्थात एनोड के विभव प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ लेक्चर टू समाप्त करते हैं, और वैसे विद्यार्थी जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें,
और कमेंट करके यह जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए ये वीडियो जो है काफी मेहनत के बाद बनता है, तो आप लोग थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो हमें खुशी होगा।